और यहाँ पे पारस इलेवन शिरवाड़ के ओपनर्स विकेश बादेकर और साहिल। आज का जो पहला मैच परशुराम इलेवन हुड़गा हड़गा और पारस इलेवन शिरवाड़ के बीच, परशुराम इलेवन हुड़गा हड़गा के टॉस जीतकर और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। और स्ट्राइक लेंगे यहाँ पे साहिल। परशुराम इलेवन की हुड़का हड़गा से गेंदबाजी करने के लिए चेतन बांदेकर, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ परशुराम इलेवन हुड़का हड़गा, जो अपने टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर है चेतन बांदेकर। पहले ओवर लेकर यहाँ पे स्ट्राइक पर रहेंगे साहिल, नॉन स्ट्राइक पर विकेश बांदेकर। और शुरू होता हुआ यहां पहला मैच, पहली गेंद लेकर चेतन बांदेकर सामना करेंगे साहिल। और ये पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरू करते हुए यहाँ पे चेतन बांदेकर। दूसरी गेंद लेकर यहाँ पे चेतन बांदेकर सामना करते हुए साहिल। और ये उल्टा के मारने की कोशिश यहाँ पे, और यहाँ पे पहला झटका लगता हुआ पारस इलेवन शिरवाड़ को। और ये पहला झटका बिनती गेंद के साथ, दूसरी गेंद विकेट। जैसे बताया गया था कि आपको मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर और एक्सपर्टाइज बॉलर यहाँ पे पावर प्ले के लिए पहली ओवर में दूसरी गेंद पर विकेट लेते हुए यहाँ पे चेतन बांदेकर। अगला बैट्समैन साहिल। धन्यवाद फिर एक बार तैयार चेतन। गौतम के लिए, चेतन टू गौतम। काफी अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रिवर्सिंग मिली, एक बिंदी गेंद निकलने में कामयाब। इसी के साथ टोटल स्कोर, अभी तक कोई स्कोर नहीं, एक विकेट हासिल कर चुके हैं चेतन। गौतम गौतम और विकेश को अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हुए खेलना होगा, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा यहाँ। जो चेतन एक अनुभवी ऑलराउंडर माने जाते हैं परशुराम इलेवन हल्का उल्गा के। चेतन फिर एक बार तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर।
जो अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी जो चेतन के द्वारा फिर एक बार तैयार। चेतन अपनी ओर की गेंद लेकर कमेंट बॉक्स साइड से गौतम के लिए शॉर्ट पिच डिलीवरी खेला पॉइंट के ऊपर से, देखना चाहिए गेंद जीत पाती या फील्डर। और इसी के साथ एक काफी अच्छी फील्डिंग जरूर प्रयास जरूर किया था, लेकिन ये चौका जो बल्ले से गौतम के बल्ले से निकलता हुआ, इसी के साथ जो टीम का खाता भी खोला है 4 रन से। जो बेहतरीन जैसे शॉर्ट पिच गेंद मिली पूरा फायदा उठाया गौतम ने और अपना खाता भी खोला 24 से और टीम का स्कोर भी पहुंचा 4 रन जो एक विकेट के नुकसान पर। चेतन फिर एक बार तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट बॉक्स साइड से गौतम के लिए यॉर्कर लाइन डिलीवरी थी के जो खेला जरूर सम्मान देते हुए खेला। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन जो एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे साहिल, जिन्होंने अपने टीम के लिए कोई योगदान नहीं दिया। जो पापू यानी विकेश जो स्क्रीन पर मौजूद एक बेहतरीन हार्ड एंड हार्ड हिटर, उसके बाद जो काफी अच्छे बल्लेबाज जो खेमे में मौजूद है, चेतन अपने ओर की अगली गेंद लेकर जो विकेश यानी पापू के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं जो ओपनिंग जो पावर प्ले के ओवर में चेतन सभी मैचेस में जो काफी अच्छी पावर प्ले में गेंदबाजी की है चेतन। चेतन फिर एक बार तैयार अपने ओर की अगली गेंद लेकर स्लोवर डिलीवरी थी सम्मान देते हुए खेला, कोई हड़बड़ाहट नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहली ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 5 रन। तारीफ करनी होगी चेतन की, 5 रन देकर 1 विकेट हासिल किया इस ओवर में, जो पावर प्ले के ओवर में हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं चेतन, उसी की वजह से जो सिर्फ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है अविनाश पांडे करके हाथ में, सामने है गौतम, जो कल शाम में हमने जो मैच देखा था जो गौतम ने आके एक बेहतरीन छक्का लगाया था उसके बदौलत उस जो पारस 11 विन हुई थी। और तारीफ करनी होगी अजय ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी कल, आज देखना है जो क्या कर पाते पापू या विकेश यानी और गौतम। 4 ओवर का खेल शेष यानी 24 गेंदों का खेल शेष, बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है अविनाश के हाथ में। अविनाश तैयार अपनी कोटा की पहली ओवर और इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर, जो तारीफ करनी होगी चेतन की, जो पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया, जो साहिल आउट होने वाले खिलाड़ी थे जो अविनाश लंबी रन अप लेते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट और ये आउट, जो आते ही गौतम के विकेट चटकाने में कामयाब रहे, जो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे गौतम, लेकिन बल्ले का बारी किनारा लेके सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। बाज देवराज धीरे धीरे स्क्रीज के ओर बढ़ते हुए, अविनाश ने आते ही एक झटका दे दिया है पारस 11 को, जो गौतम के रूप में एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, जब तक विकेश पापू वहां खड़ा है जो एक उम्मीद बरकरार जो पारस 11 के खेमे में, उसके बाद जो और दो बेहतरीन बल्लेबाज खेमे में मौजूद है जैसे शैलेश बांदेकर, काफी बल्लेबाज मौजूद, तारीफ करनी होगी अविनाश के आते ही एक झटका दिया है पारस 11 को।
देवराज एक छोटे कद के खिलाड़ी बल्लेबाज, गणेश जानते हैं जो देवराज कैसे बल्लेबाजी करते हैं उसी तरह से फील्डिंग की सजावट करते हुए गणेश, अविनाश टू देवराज। छोटे कद के खिलाड़ी देवराज जो पहली बार सामना करेंगे अविनाश की, दोनों ही लोकल हीरो लोकल बॉय जो काफी अनुभव इस ग्राउंड में खेल के दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज को, और आते ही खेला गेंद हवा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां, जब तक फील्डर जाके फील्ड करते थ्रो करते आसानी के साथ दो रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने, इसी के साथ अपना खाता खोला दो रन से जो देवराज ने टोटल स्कोर पहुंचाया 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आते ही अपना मंसूबे बता दिया है देवराज ने, ऐसे जो बल्लेबाजी करने के लिए भेजे उन्हें, क्योंकि इतने मैचेस में वो 1 डाउन में नहीं आए थे 2 डाउन में नहीं आए थे। फिर एक बार काफी अच्छी गेंद और गलत डिलीवरी थी खेला पॉइंट की दिशा में, वहां फील्डर प्रीतेश मौजूद, जब तक प्रीतेश फील्ड करते थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन जो 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंद थी और गलत डिलीवरी थी जो जान गए थे देवराज, वही हल्के हाथों से खेल के 1 रन जो बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने, टोटल स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो महत्वपूर्ण 2 विकेट साहिल और गौतम पेविलियन में जाके बैठे हैं, जो योगदान नहीं मिला अपनी टीम को जो दोनों बल्लेबाजों से, देखना चाहिए विकेश पापू जब तक क्रीज पर मौजूद है एक उम्मीद के किरण पारस इलेवन के खेमे में। अब तक तो काफी अच्छी गेंदबाजी अविनाश के द्वारा, अविनाश टू, और फिर एक बार बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, और अंपायर का इशारा आउट। इसी के साथ ये बड़ा झटका लगता हुआ जो पारस इलेवन को उसकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज गौरीश, जो तीसरा झटका लगता हुआ जो पारस इलेवन को जो विकेश के रूप में, और उसकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज जो गौरीश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑलराउंडर माने जाते हैं गौरीश। अरे लड़खड़ा दी पारी जो 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर, काफी अच्छी गेंदबाजी जो सिर्फ 3 रन खर्च कर चुके हैं अब तक और 2 विकेट हासिल किए जो अविनाश ने। आते पहले गेंद में गौतम का विकेट हासिल किया था, उसके बाद अभी जो विकेश एक बड़ी विकेट जो लिए है अविनाश ने। आठ रन 3 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी साझेदारी और धुआंधार पारी की जरूरत, यानी कम से कम 40 या 50 रन तो जरूर बनाने होंगे जो अनबीटन टीम है जो परशुराम इलेवन हल्का उल्गा अविनाश, और हल्के हाथों से लेग साइड की दिशा में ग्लांस किया है, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छी फील्डिंग इस 1 रन के साथ, टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन जो 3 विकेट के नुकसान पर।
और अच्छी शॉट जो रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे देवराज। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति, 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9 रन। काफी खराब बल्लेबाजी जो पारस इलेवन की, खराब बल्लेबाजी मानी जाएगी, और काफी अच्छी जो अविनाश ने अपनी कोटा में 4 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। गौतम और जो विकेश यानी बड़ी मछली फंसाई थी, 3 ओवर जो समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ सॉरी 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, टोटल स्कोर 8 रन, 9 रन। अभी बचे हुए 3 ओवर यानी 18 गेंदों में कितना रन और जोड़ सकते हैं देखना चाहिए जो गौरीश और देवराज। बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है गणेश। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी जिम्मेदारी, जो एक बड़ा स्कोर खड़ा करने अपने टीम के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे जो गणेश। और ये बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, जो बैट पिच गेंद थी पूरा फायदा नहीं उठा पाए जो गौरीश। गौरीश एक लंबी साझेदारी करने की जरूरत दोनों बल्लेबाजों को। गणेश फिर एक बार तैयार जो गौरीश बांदेकर के लिए। आगे आकर खेला गेंद हवा में, उसके नीचे चेतन एक अनुभवी खिलाड़ी मौजूद। इसी के साथ ये चौथा झटका लगता हुआ जो पारस इलेवन को। गौरीश तो बड़ा शॉट खेलना जरूर चाहते थे लेकिन जो टाइमिंग सही नहीं। जो उसकी जगह संभालने के लिए शैलेश बांदेकर। शैलू एक लड़खड़ाती हुई पारी, जो 4 विकेट अब तक गंवा चुके हैं जो पारस इलेवन, सिर्फ 9 रन के ऊपर। गणेश टू जो पहली बार सामना करेंगे शैलेश। पहली बार सामना करेंगे गणेश। राइट आर्म ओवर द विकेट अपना छोर बदला है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग शैलेश के लिए। एक आक्रामक बल्लेबाज शैलेश। गणेश राइट आर्म ओवर द विकेट और हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में, वहां फील्डर जरूर मौजूद। जब तक फील्ड करती थ्रो करती आसानी के साथ 1 रन। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता है डबल डिजिट यानी 10 रन। कम से कम 40 या 50 रन तो जरूर बनाने होंगे अगर इस मैच में बना रहना है तो। जो गणेश अपने ओवर के अगले गेंद लेकर छोटे गज के पहले बाद देवराज के लिए। और गणेश फिर एक बार तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। राइट आर्म ओवर द विकेट जो कमेंट बॉक्स एंड से करेंगे देवराज के लिए। 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर फिर एक बार तैयार। लोअर फील्डर्स डिलीवरी थी, खेला लेग साइड की दिशा में, वहां फील्डर जरूर मौजूद लेकिन वो काफी अच्छी फील्डिंग अविनाश के द्वारा, काफी अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी होगी अविनाश की। 2 रन का इजाफा, इस 2 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन जो 4 विकेट के नुकसान पर। एक लड़खड़ाती हुई पारी को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत। तीसरा ओवर प्रगति पर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर जो पारस इलेवन। गणेश फिर एक बार तैयार अपने ओवर के गेंद लेकर।
स्लोअर डिलीवरी खेलना जरूर चाहते थे, बल्ले का बाहर किनारा जरूर लगा, हल्की सी अपील लेकिन अंपायर पर, अपील तो की थी लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। इसी के साथ जो दबाव डालना चाहते थे गणेश, जो अंपायर के ऊपर काफी अनुभवी अंपायर, रन की कोई गुंजाइश नहीं हुई, स्कोर रही का 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, इसके बाद सिर्फ 2 ओवर बचे, यानी काफी खराब बल्लेबाजी मानी जाएगी जो पारस 11 की। कोई एक ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि जो बड़ा शॉट, बड़े बड़े शॉट खेले, और खेला सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन ओवर की समाप्ति, 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 13 रन। इसके बाद जो मेरा साथी कमेंटेटर गौरीश, आगे का कौदे का हाल सुनाने के लिए धन्यवाद धनंजय दी। आज जो तीसरा दिन, जो पहला मैच परशुराम इलेवन उलगा हल्का और पारस इलेवन के बीच में टॉस जीता परशुराम इलेवन, हल्का उलगा ने क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला लिया था सही साबित होता हुआ 3 ओवर में 13 रन बनाकर 4 विकेट खो चुकी है जो पारस इलेवन। बल्लेबाजी का जो न्योता दे दिया था यहाँ पर, उस पर खड़े उतर नहीं पा रही है जो टीम पारस इलेवन। फिलहाल 2 बल्लेबाज क्रीज पर, देवराज और शैलेश। गेंदबाजी का जिम्मा जो प्रीतेश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट कमेंट बॉक्स एंड से। कम टोटल मेरे ख्याल से सीजन 1 गोमंतक प्रीमियर लीग 2024 का जो पारस इलेवन, प्रीतेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद रिवर्स बना के खेलना चाहते, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, रहती जाने का कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 13 रन। खुल के खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, अपने अपने छोर बदलने होंगे इस वक्त। प्रीतेश तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अगली गेंद लेकर। इस बार लोअर फुलटस गेंद खेल दिया वहां पर कवर्स के क्षेत्र में, वहां पर और यहां पर आउट, जो 5वां धक्का जो लगता हुआ। परशुराम इलेवन की टीम अब तक जो इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है, लगातार 4 मैच जीतकर 5वीं जीत की तरफ बढ़ती हुई। अब जो कप्तान आए हैं नंबर 7 पर अजय बांदेकर, पारस इलेवन के कप्तान आ चुके हैं क्रीज पर। नतीजा कुछ भी हो 13 के स्कोर पर 5 विकेट गवा चुके, आधी टीम पवेलियन का रास्ता देख चुकी है पारस इलेवन की। गेंदबाजी में तैयार गेंदबाज, फील्डिंग क्रीज में थोड़ा सा बदलाव करते हुए शैलेश के लिए लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ 2 खिलाड़ी रखे हैं, एक वैसे ही डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जो गणेश, डीप मिड ऑन में एक खिलाड़ी। अगली गेंद शैलेश के लिए, खेलना चाहते थे गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, 13 रन का कोई मामला नहीं हुआ, पर स्कोर वही रुका है 13 रन। इस टूर्नामेंट का सबसे लो टोटल इस वक्त जो पारस इलेवन का, अपने अपने जो छोर बदलने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, अजय कुछ जो समझाते हुए। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा महालसा जोएड़ा और दिनू स्टार के बीच में, वहां पर मौका था लेकिन अविनाश के सिर के ऊपर से जो गेंद चली गई। प्रीतेश तैयार,
एक चौका जड़ चुके हैं जो शैलेश, इसी तरह की बल्लेबाजी करनी हुई, चौथा ओवर जो प्रगति पर रहा, फिर एक बार रिवर्स खेल दिया वहां पर डी पॉइंट की बाउंड्री की तरफ, वहां पर अविनाश जो तैनात किए गए हैं जो कप्तान है टीम के, इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर जो प्रगति पर जो प्रीतेश का। चौथा ओवर जो प्रगति पर 5 ओवर का मैच, प्रीतेश तैयार, ओवर पिच गेंद, जोरदार प्रहार किया, देख रहा होगा वहां पर मौका है या कोई मौका नहीं, कप्तान के बल्ले से निकलता हुआ जो पहला छक्का। इसी तरह की शुरुआत की जरूरत है, टोटल यहां पर कम से कम 40 तक तो लेके जाना होगा पारस 11 की टीम को। गेंदबाजी में शायद गणेश बांधे करके हाथों में सौंपी है गेंद, सभी गेंदबाजों ने अपने अपने काम किए हैं गेंदबाजी में। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, पारस 11 ने हर एक गेंद सिंगल जैसे बनाकर 24 गेंदों में 24 रन बना लिए है 5 विकेट खोकर। आखिरी ओवर जो इस वक्त प्रगति पर जीतने के लिए पारस 11 की टीम को संघर्ष लगाना होगा यहां पर। परशुराम 11 उल्गा हल्का लगातार 5 मैच जीत चुकी है, 4 मैच जीतकर 5वीं जीत की तरफ बढ़ती हुई। पूरी तरह से जो दबाव में इस वक्त पारस 11 की टीम, आखिरी ओवर लेकर गणेश पांडेकर। गणेश बांदेकर पहली गेंद लेकर, फुलटस गेंद, सिर्फ दिशा दिखाई वहां पर, सीधा सी मार के बाहर 4 रन के लिए। इस तक लेके जाना होगा स्कोर को, तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। बचे हुए 5 गेंदे, गणेश तैयार, राइट ऑफ बोध विकेट शैलेश के लिए, कट करके खेला वहां पर गली के बीचों बीच से, चेज करने दौड़ रहे जो अविनाश, देखना होगा मौका है या फिर। चेज कर लिया वहां पर, 2 रन अपने टीम के लिए जो बचाए, 1-1 रन कितने महत्वपूर्ण होते हैं जानते हैं जो कप्तान अविनाश। तीस रन जो हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। गणेश बढ़िया गेंद, हल्की सी उछाल जरूर थी लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, वहां पर स्कोर भी रुका हुआ 30 रन। तीन गेंदों का जो खेल बाकी इस वक्त, और क्लीन बोल्ड, छठवां धक्का जो लगता हुआ पारस 11 की टीम को शैलेश के रूप में।
आए हैं क्रीज पर। बचे हुए दो गेंदे अब तक जो बची है, दो गेंदे ही बची है इस इनिंग्स की, तो कितना टारगेट सेट कर पाती है जो पारस इलेवन की टीम। बल्लेबाजी में तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन गेंदबाजी तगड़ी कर दी होगी इस वक्त इस मैच को जीतने के लिए। इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा मालसा इलेवन चोपड़ा बनाम दीनू स्टार गांवगेरी के बीच में, चेतन बल्लेबाजी में आए हैं नंबर आठ पर, गणेश बांदेकर जो तैयार गेंदबाजी में। गणेश बांदेकर की गेंद टप्पा करने के बाद पूरी तरह से वहां पर, दबाव में जो दिख रही है इस वक्त पारस इलेवन की टीम। आखिरी गेंद जो बची है और स्कोर 30 पर ही रुका है जो पारस इलेवन का। कम टोटल यहां पर उछाल के खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग अविनाश की और दो रन के साथ 32 छह विकेट के नुकसान पर 33 रनों का जो टारगेट। छह दशमलव 7.5 की औसत, थर्टी थ्री रनों का जो टारगेट सेट किया है पारस इलेवन की टीम ने। गेंदबाजी तो तगड़ी करनी होगी इस वक्त, जिस तरह से टॉस जीता पहले परशुराम इलेवन उल्गा हल्का ने क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला लिया, बल्लेबाजी करने के लिए जो आमंत्रित किया था पारस इलेवन की टीम को, आज के दिन का जो
पहला मैच इस वक्त जो चल रहा है, थर्टी थ्री रनों का जो टारगेट अजय बांदेकर किसके हाथों में गेंद सौंपते हैं, और गौतम गेंदबाजी में दो सलामी बल्लेबाज, फिर एक बार वही जोड़ी संतोष और प्रीतेश, उसी जोड़ी पर भरोसा जताया है परशुराम इलेवन उल्गा हल्गा के जो कप्तान ने। 33 रनों का जो टारगेट, तीस गेंदे 33 रन, 10 विकेट हाथ में, कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल डबल से भी अगर स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो निश्चित रूप से जीत जो पक्की, जो भी टीम जीत दर्ज करेगी यहां पर सीधे फाइनल का टिकट अपने नाम कर लेगी। गोमंतक प्रीमियर लीग 2024 जिस तरह से इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है कालिका देवी मैदान मल्लापुर में, जो भी टीम यहां पर जीत दर्ज करेगी, पारस इलेवन हो या फिर परशुराम इलेवन उल्गा हल्गा, सीधे फाइनल में जो प्रवेश करेगी। मालसा इलेवन जोएडा के कप्तान सनीत और दिनुष्टार गावगेरी के जो कप्तान कृपया टॉस के लिए आए। दोनों ही कप्तानों से निवेदन करता हूं कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स पे आना होगा। मालसा इलेवन जोएडा दिनुष्टार गावगेरी, अंपायर का इशारा जुड़ता हुआ कमेंट्री बॉक्स में, गौतम तैयार राइट ऑफ राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो प्रीतेश, प्रीतेश का जो होम ग्राउंड इस ग्राउंड पर बड़े लंबे चौड़े हिट लगा सकते हैं, क्षमता है उनमें और भरोसा जो जताया है कप्तान ने। पहली गेंद लेकर गौतम तैयार रहा, 30 गेंदे 33 रन, पहली गेंद फुल टॉस और नो बॉल का इशारा, पूरी तरह से रिस्क के ऊपर से चली गई गेंद, सही निर्णय वहां पर अंपायर का। पहली गेंद पर अतिरिक्त रनों के साथ जो खाता खोला, यहां पर पूरी तरह से जो मौका मिलता हुआ प्रीतेश को, गौतम तैयार रहा राइट ऑफ राउंड विकेट फ्री हिट पर उठा के खेला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्री हिट था इसीलिए कोई नुकसान नहीं हुआ परशुराम इलेवन उल्गा हल्गा को। मालसा इलेवन जोएडा दिनुष्टार गांवगेरी कप्तान से निवेदन करता हूं कि टॉस के लिए आए। यहां पर लोअर फुलटस गेंद, कोई मौका नहीं देवराज के लिए, सीधा सीवार के बाहर 4 रन के लिए, क्या बढ़िया शुरुआत यहां पर। इससे बड़ी बड़ी शुरुआत जो क्या होगी परशुराम इलेवन उल्गा हल्गा के लिए, गौतम तैयार, फिर एक छोटी गेंद रिवर्स बना के खेल दिया, टी पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, लगातार 2 बाउंड्रीज। तेज गति के साथ परशुराम इलेवन उल्गा हल्गा की टीम अपनी 5वीं जीत की तरफ बढ़ती हुई, गौतम तैयार रहा, इस बार बढ़िया गेंद उछाल कर खेलने की कोशिश में, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क सटीक तरह से नहीं हुआ। 10 के स्कोर पर बिना कोई विकेट खोए हुए पहला ओवर जो प्रगति पर रहा, जीत के लिए 23 रनों की जरूरत। पहले ओवर की प्रगति पर 10 रन बना लिए है, जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चांस नहीं छोड़ रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, 2 चौके खाने के बाद बढ़िया कमबैक जो किया है गौतम ने,
गौतम फिर एक बार तैयार रहा राउंड द विकेट संतोष के लिए। इस बार उठा देना तो है लेकिन गेंद के नीचे देवराज और कोई गलती नहीं, पहला धक्का जो लगता हुआ परशुराम इलेवन उलगा हलगा को। और गेंदबाज में बदलाव चेतन देवदास, पहली बार आज के दिन में गेंदबाजी करने के लिए आए पहले मैच में जो चेतन चेतन पांच खिलाड़ी जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड ऑफ बाउंड्री डीप बैकवर्ड बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ एक जो खिलाड़ी यानी कि कुल मिला के पांच खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं। चेतन तैयार राइट ऑफ राउंड द विकेट पहली गेंद लेकर प्रीतेश के लिए और बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए वहां पर प्रीतेश। पूरी तरह से वहां पर बीट हो गए स्कोर भी रुका हुआ 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। चेतन फिर एक बार तैयार दूसरी गेंद लेकर इस बार ऊंचा कर खेला है कोई मौका नहीं सीधा सीवर के एक बार 6 रन के लिए। थोड़े आगे करना चाहते थे गेंद को लेकिन फिर भी वहां पर एक स्टेप आगे लेकर जो खेला इस मैच के बाद दिनुष्टार ने टॉस जीता है गांवगेरी ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला लिया है। मालसा जोड़ा को फिर एक बार बल्लेबाजी करने का जो न्योता दिया है। चेतन तैयार 16 पर पहुंच चुकी है टीम परशुराम इलेवन। फिर एक बिंदी गेंद यानी कि डॉट गेंद गेंदबाजी तो बढ़िया करे लेकिन बल्लेबाज भी उतने ही चुस्त इस ग्राउंड के कोने कोने को जानते हैं जो प्रीतेश। स्लो लाइन डिलीवरी इस बार कवर्स के बीचों बीच से वहां पर कोई मौका नहीं संदेश के लिए सीधा समारक के बाहर 4 रन के लिए। आगे कर रहे थे गेंद को लेकिन इस बार कुछ अलग करना समझ रहे थे जो चेतन लेकिन उस पर भी चौका लगा जाड़ा दिया। इस 4 रन के बाद स्कोर हो चुका 20 रन। जीत के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत अपनी 5वीं जीत पक्की करने के लिए परशुराम इलेवन को 13 रन दूर। फिर एक बार उछाल के खेल दिया वहां पर खिलाड़ी मौजूद और दूसरा धक्का जो लगता हुआ लेकिन बल्लेबाज अपने अपने काम करके गए। पहले संतोष ने 8 रन बनाए उसके बाद प्रीतेश 11 रन बनाकर आउट यानी कि बल्लेबाज अपने अपने काम करके जो जा रहे हैं अपने टीम की जीत के लिए। गौतम ने बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा है नंबर 4 पर अविनाश। गोमंतक प्रीमियर 2024 में श्रीमान आनंद वसंत अष्टोटकर जिन्होंने 50,000 रमेश नाइक जोड़ा 51,000 रुपीज संतोष पांडुरंग बांधेकर 25,000
शांता बिकू बांदेकर 15,000, चंद्रशेखर बांदेकर 11,500 रुपए, राजा पी बांदेकर 10,000, सूरज देवकर 10,000, कृष्णा बांदेकर कईगावड़ा 5,000, सतीश किन्नरकर 5,000, संतोष बांदेकर 5,000, राजेश जांबावलीकर सुंकेरी कारवार 5,000, कृपाक्ष गुरव माजाली कारवार 5,000, कृष्णानंद बांदेकर कारवार 5,000, मनोज बांदेकर कारवार 5,000, रुपेश बानावलीकर जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए वाटर बॉटल की जो सप्लायरशिप दी है स्पॉन्सरशिप, प्रदीप बांदेकर सिद्धर 5,000, सतीश के बांदेकर 4,000, अक्षय ए बांदेकर 3,500 रुपये, रामा बांदेकर कारवार 3,500 रुपये, धारेश बांदेकर 3,000, मंगलदास बांदेकर NPCL कहेगा 3,000, सुदन बांदेकर NPCL कहेगा 3,000, शीला भाड़कर NPCL कहेगा 2,500 रुपये। इसी बीच गौरीश गेंदबाजी में, गौरीश आए हैं गेंद के नीचे, अजय को मौका नहीं, वहां पर गेंद जा रही है शॉर्ट लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, 4 रन के बदले स्कोर हो चुका। ₹2,500 सचिन डी बांदेकर 2,000, उल्लास बांदेकर शिरवड 2,000, दिनेश मराठे 2,000, उदेश बांदेकर उलगा 2,000, किरण एस बांदेकर 2,000। गौरीश की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार जोरदार प्रहार सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, 2 रन दूर अपनी 5वीं जीत से। कुलगेकर 2,000, किरण एस बांदेकर 2,000, रामकृष्ण जे बांदेकर 1,500 रुपये, विकेश बांदेकर 1,500 रुपये, रत्ना बांदेकर NPCIL 1,000, उमाकांत बांदेकर कईगावड़ा मल्लापुर 1,000, विकी बांदेकर 1,000, प्रमोद देवली कारवार 500 रुपये, FHS कईगा गोमंतक ब्रदर्स जिन्होंने बॉल स्पॉन्सरशिप दी है इस टूर्नामेंट के लिए, SR ब्रदर्स आइसक्रीम स्पॉन्सरशिप दी है, इन सभी को तहे दिल से कमिटी धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी बीच दो कदम दूर अब सिर्फ टाई हो चुका है जो मैच, यानी कि जीत पक्की हो चुकी है परशुराम इलेवन की, फाइनल का टिकट अपने नाम करने के लिए एक कदम दूर। गणेश किस तरह से इस मैच को खत्म करना चाहेंगे, एक लंबा हिट या फिर सिंगल डबल के साथ, और फुल टॉस गेंद 4 रन के साथ फाइनल का टिकट अपने नाम कर चुकी जो परशुराम इलेवन, 5 जीत लगातार। इस मैच के मैन ऑफ द मैच अविनाश बांदेकर, और जो अविनाश बांदेकर मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच अविनाश बांदेकर, और जो प्रदान करेंगे सतीश बांदेकर, अविनाश बांदेकर मैन ऑफ द मैच। पहली मैच में लगातार 5वीं जीत के साथ परशुराम इलेवन उलगा हलगा ने फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया है।